गोपियों के तर्क तर्क शास्त्र की दृष्टि से महान तर्क है या थोड़े मजाकिया तर्क है? जैसे आप किसी से कहें कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ, और वो ये कहे अरे मेरे पास तो एक ही हृदय था, चौथी क्लास में दिया जैसे किसी को, उसके बाद से मैं बिना हृदय के घूम रहा हूँ, डॉक्टर परेशान है, एक्सरे होता है, हृदय ही नहीं है, खाली जगह वहां पर है। अगर कोई आपसे ऐसी बात कहे आप फिर क्या कहेंगे उसको? आप कहेंगे अच्छा हुआ पहले ही पता लग गया, थैंक यू मैं बच गया या मैं बच गई। क्योंकि ऐसे मूर्ख से प्रेम करना वैसे भी नुकसान ही है ना, जो बैल पेड़ की डाल में बैठ के उसी को काट रहा हो उस मूर्ख से कोई क्यों प्रेम करना चाहेगा? शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति सबसे अच्छी सीधी, कोई रहस्य नहीं, कोई पर्दा नहीं, एकदम सीधा पर। और तुलसी कह गए हैं सूझे मन सूझे वचन सूझी सब करतूती, तुलसी सूझी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूती। मन भी सूझा हो, वचन भी सूझा हो और करतूतें भी सीधी हो। हमारा मन सीधा हो, हमारा वचन सीधा, हमारी करतूतें भी सीधी हो। सरल करतूतें करनी है, घुमा फिरा के नहीं। करतूत का मतलब उस जमाने में जो था वो था कृत्य, आज इसका मतलब कुछ और हो गया है। जो आप लोग करते हैं वो हो गया आजकल, इन वैसे इसका मतलब कृत्य है। मन वचन कर्म से सीधापन जीवन में होना चाहिए। तुलसी सूधी सकल विधि, सारी विधि ही सीधी है तुलसी कह रहे हैं। रघुवर प्रेम प्रसूति, राम के प्रेम से उत्पन्न होती है जो विधि, प्रसूत होती है, उस विधि में टेढ़ापन नहीं है, सीधापन है। देखिए जो सच्चा प्यार करेगा वो सीधा प्यार करेगा, उसे बाकपन नहीं होगा। और ऐसा प्रेम किसी को नसीब हो तो बहुत 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 उसकी खुश नसीबी है कि नायक और नायिका दोनों सच बोलने वाले मिल जाए, झूठ ना बोलते हो, बिल्कुल भी झूठ ना बोलते हो। मैं जानता हूँ आप कल्पना में सोच रहे होंगे इस बात को, लेकिन ऐसे लोग दुनिया में है, दो चार लोग ऐसे दुनिया में हो सकते हैं, नायक भी झूठ नहीं बोलता, नायिका भी झूठ नहीं बोलती है, दोनों सच बोलते हैं, दोनों असुरक्षाओं से मुक्त है और दोनों एक दूसरे को बांधने के निरर्थक प्रयास में नहीं उलझे हुए हैं। ये है सीधा मन सीधा वचन सीधा कृत्य, टेढ़ापन नहीं, बांकपन नहीं। यही बोल गए घनानंद। कौन घनानंद? चलो सुजान मेरे साथ चलो, मैं तुम चलो मैं देखती हूँ बाद में। ऐरी रूप राधे 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 मिल ब्रजभवन बहुत जतन है साधे। वही घनानंद, घनानंद जी कह गए हैं कि जहां नेकु सयानक बांक नहीं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, प्रेम का मार्ग एकदम सीधा है। जहां नेकु सयानक बांक नहीं, जहां जरा सा भी सयानपन और बांकपन नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रेम में सयाने हैं, अगर प्रेम से पहले कैलकुलेटर लेके जाते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हिसाब किसका भारी पड़ रहा है, मेरा खर्चा कितना उसका खर्चा कितना, अगर ये सब काउंट हो रहा है तो फिर ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है। प्रेम तो सीधा होना चाहिए। तुलसी कह रहे हैं प्रेम चाहे मनुष्य का हो चाहे ईश्वर का हो, सीधा एकदम सब। शुक्ल जी को फिदा हो गए इस बात पे, सूझे मन सूझे वचन। सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानो, बताओ अपने बताओ सोह क्या होता है? पसंद आना, प्रिय होना, ऐसे बोलते ना, उसे सुहाता है, यह नहीं सोहता है। सोह मतलब प्रिय लगना। सोह न राम प्रेम बिन ज्ञानो, राम को ऐसा प्रेम पसंद नहीं जो ज्ञान रहित है। ज्ञान युक्त प्रेम में जो बात है ना, वो ज्ञान रहित प्रेम में नहीं है। आप जिससे प्रेम करते हैं अगर वो एक नंबर का मूर्ख आदमी है तो कितना भी सुंदर हो, कितना भी मधुर भाषी हो, लेकिन अगर मूर्ख है तो अपने आप में संकट है उसके पास। समझदार व्यक्ति है तो उसके प्रेम की बात अलग होगी, उसको अनुमान रहता है। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ अजीब सा, आप ये बताएं कि आप में कोई ऐसा बच्चा है जिसके कुछ दोस्तों का शादी शादी हो चुकी हो, विवाह हो चुका हो, कुछ आपके दोस्तों का विवाह हुआ है क्या? हो गया, बढ़िया है। आप तो इस उम्र में तो विवाह हो जाता है बच्चों का, तो आप लोग बूढ़े हो गए अलग बात है, बाकी हो गया होगा बाकी का तो। अर्ज सिंह अभी बोला 17 साल के हो, प्यारे बूढ़े हो गए हो। तो ये बताएं कि आपके विवाह में ज्यादा अनुपात प्रेम विवाह का है या अरेंज मैरिज का है? अरेंज मैरिज का ज्यादा अनुपात है। पहले लड़कियों से पूछते हैं कि आपकी सहेलियों के विवाहों में कौन से विवाह का अनुपात ज्यादा है? अरेंज मैरिज। ये अनुपात कितना होगा, 70-30 टाइप या 80-20? 80-20। लड़के लोग बताएं, लव मैरिज आगे चल रही है 70-80? अरे कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो, आचार्य पर बताएंगे।
फाइनल पर रेंजेज ज्यादा है, कितना अनुपात होगा 80-20 होगा। ये बात भी सही, इनकी सहेलियों की शादियां पे 200 से तो हो रही होगी, किससे हो रही होगी, ये भी तो सही बात है भाई। जब शादी है इधर अरेंज है तो वहां भी अरेंज नहीं होगी, ऐसे कैसे कि मान लो मेरी अरेंज मैरिज हो रही होगी। चलिए लेकिन अगर आप शहर में रहेंगे जैसे DU में पढ़े JNU में पढ़े तो उनके सर्कल में अनुपात आजकल 90-10 जैसा है, 90% लव मैरिजेस 10% अरेंज मैरिजेस। ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है, लोकेशन जियोग्राफिकल भी सोशल भी, आप गांव से हैं शहर से हैं कस्बे से हैं, और उस गांव शहर कस्बे में किस जाति किस समुदाय